आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज जो रखे आपको A1। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का बेटा असद फरार चल रहा था। असद पर 5 लाख का इनाम रखा गया था। असद और गुलाम का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने झांसी में किया। जब असद के एनकाउंटर के बाद अतीक को पता चली तो अतीक रोने लगा, बोला इन सब की जड़ मैं हूँ और बेहोश हो गया। वहीं उमेश पाल की पत्नी ने असद के एनकाउंटर के बाद कहा कि हमें योगी जी से पूरी उम्मीद है, हमें न्याय मिलेगा, जो योगी जी करेंगे ठीक ही करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और धीरे धीरे ये बात सच होती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म करने के लिए योगी सरकार सख्त है और इसी बात से अपराधी डर रहे हैं। ऐसे अपराधियों के एनकाउंटर से लोग चैन की सांस ले रहे हैं और योगी सरकार की सराहना कर रहे हैं।